गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में पेज नंबर 37 पर एक्सरसाइज दी हुई है, इसको फिल करेंगे। तो इस पर एक्सरसाइज है सी। इसमें क्या लिखा है, फिल इन द सर्कल विद ए ई आई ओ यू टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। अब इसमें ये देखिए क्या लिखा है, डी ब्लैंक जी और टी ब्लैंक पी। अब इसमें ऐसा लेटर आना चाहिए, ए ई आई ओ यू में से ऐसा लेटर आना चाहिए दोनों वर्ड कंप्लीट हो जाएं। अब देखिए डी ए जी फिल करेंगे तो डी ए जी क्या होता है बच्चों, और टी ए पी टैप तो होता है, डी ए जी ये वाला वर्ड रॉन्ग हो रहा है तो ए नहीं आएगा। टी डी ई जी और टी ई पी ये भी रॉन्ग हो रहा है, डी ई जी डैग या टी पी टैप कुछ नहीं होता। डी आई जी डिग और टी आई पी टिप ये भी रॉन्ग है। अब इसमें फिल करेंगे ओ डी ओ जी डॉग और टी ओ पी टॉप। डी ओ जी डॉग मीन्स कुत्ता और टी ओ पी टॉप मीन्स लट्टू। तो यहाँ ये दोनों सही बन रहे हैं ना वर्ड, तो यहाँ पर कौन सा लेटर फिल करेंगे, ओ। कौन सा लेटर फिल करेंगे, ओ। अब नेक्स्ट है सी ब्लैंक टी और बी वी ब्लैंक एन। सी अब यहाँ पर कौन सा लेटर फिल करेंगे, सी ए टी और वी ए एन। सी ए टी कैट ये भी वर्ड सही है और वी ए एन वैन, वैन भी वर्ड सही है, तो यहाँ पर कौन सा लेटर फिल करेंगे, ए। अब यहाँ पर देखिए टी ब्लैंक बी एस ब्लैंक एन, यहाँ पर फिल करेंगे टी ए बी टैब एस ए एन एस एन सैन क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं। टी ई बी और एस ई एन ये भी रॉन्ग है। टी आई बी टिब एस आई एन सिन, टी आई बी टिब कुछ नहीं होता बच्चों। टी ओ बी टॉब एस ओ एन तो सन मीन्स बेटा होता है, टी ओ बी टॉब कुछ नहीं होता, एक वर्ड रॉन्ग हो रहा है इसमें। यू अब क्या बचा, यू टी यू बी टब एस यू एन सन, टी यू बी टब एस यू एन सन मीन्स सूरज। तो ये दोनों वर्ड सही हो रहे हैं ना इससे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू टी यू बी और एस यू एन टब और सन। तो फर्स्ट वाले में आएगा ओ, सेकंड में आएगा ए और थर्ड में आएगा यू। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, राइट द गिवन साउंड वर्ड्स। अब आपको साउंड वर्ड्स लिखने हैं, ये इससे ए टी से आपको साउंड वर्ड लिखने हैं, यानी कि ए टी आना चाहिए वर्ड में, ए टी आना चाहिए, जैसे सी ए टी है ना। अब और बताइए, ए टी आना चाहिए उसके पीछे, बी ए टी बी ए टी। और ध्यान करिए, ए टी आना चाहिए ऐसे साउंड वर्ड में, ए टी आना चाहिए। तो फाइव साउंड वर्ड लिखिए। अब और लिखिए बच्चों, एम ए टी एम ए टी, और लिखिए आर ए टी आर ए टी, सब में ए टी आ रहा है ना। और लिखिए एच ए टी एच ए टी, यहाँ पर ए टी दिया हुआ है तो अब सब वर्ड में ए टी आना चाहिए, बी सी ए टी बी ए टी एम ए टी आर ए टी और एच ए टी। कैट बैट मैट रैट हैट। अब नेक्स्ट क्या दिया है, ई डी। अब ई डी से लिखने हैं, इसमें आपको एक लिखा हुआ दिया है आर ई डी रेड, यहाँ पर लिखिए आप। और देखिए बी ई डी बैड बी ई डी, इसमें ई डी आ रहा है ना, बी ई डी एल ई डी डब्ल्यू ई डी वेड डब्ल्यू ई डी वेड और
सब में ईडी आ रहा है ना बच्चों, ईडी इसमें ईडी दिया हुआ है आपको, तो आपको ईडी लिखना था। इसमें ईडी से साउंड वर्ड लिखने थे। अब आई एन, अब आई एन आना चाहिए आपको, एक लिखा हुआ दिया है पी आई एन, और लिखिए सोचिए बी आई एन, बिन पी आई एन, और टी आई एन, और एफ आई एन। पी आई एन तो आपको दिया हुआ है, एफ आई एन, और बोलिए बच्चों डब्ल्यू आई एन, विन बिन, टिन पिन, फिन विन, आई एन दिया हुआ है। तो सब में देखिए आई और एन आ रहा है। अब क्या दिया हुआ है, ओ पी, ओ पी, तो लिखो एम ओ पी, एम ओ पी, एम ओ पी, और सोचिए पी ओ पी, पॉप, पी ओ पी, पॉप, पी ओ पी, पॉप। अब क्या है सी ओ पी, लिखिए सी ओ पी, और टी ओ पी तो लिखा हुआ है, और क्या लिखना है, ओ पी आना चाहिए उसमें, एच ओ पी, लिखिए एच ओ पी, एच ओ पी। चलिए अब क्या दिया है, यू एन, तो एस यू एन, एस यू एन, एस यू एन, और जी यू एन, देखिए जी यू एन, जी यू एन, और सोचिए आर यू एन, आर यू एन, आर यू एन, यू एन और आना चाहिए, एक और रह गया, सोचिए एफ यू एन, फन, एफ यू एन, फन, सन गन रन फन बन, सब में यू एन आ रहा है ना। आपको जो साउंड वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे आपको साउंड वर्ड्स लिखने हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेम द पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, इनके आपको नेम लिखने हैं। तो देखिए क्या पिक्चर दी हुई है आपको, फर्स्ट सी ए पी कैप, सी ए पी कैप, क्या दिया हुआ है, कैप, तो यहां पर लिखिए सी ए पी, सी ए पी कैप, सी ए पी कैप। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए किसकी बनी हुई है, पिग, पी आई जी, पी आई जी, पिग, पी आई जी, यहाँ क्या लिखेंगे, पी आई जी, पी आई जी, पिग, पी आई जी, पिग। नेक्स्ट है देखिए पिक्चर क्या बनी हुई है, ये टॉप, टी ओ पी, टी ओ पी, टॉप, तो यहाँ लिखिए टी ओ पी, टॉप, टॉप मीन्स लट्टू। नेक्स्ट पिक्चर देखिए क्या बनी हुई है, बेड, बेड की स्पेलिंग बताइए, बी ई डी, बी ई डी, बेड, बी ई
B-E-D, bed. अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? पेन. P-E-N, पेन. P-E-N, पेन. तो यहाँ लिखिए P-E-N, P-E-N, पेन. नेक्स्ट देखिए पिक्चर किसकी बनी हुई है? Zip. Z-I-P, Z-I-P, Zip. Z-I-P, 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 Zip. Z-I-P, Zip. नेक्स्ट है फैन. F-A-N, F-A-N, फैन. क्या लिखेंगे यहाँ पर? F-A-N, F-A-N, फैन. F-A-N, फैन. नेक्स्ट है ये देखिए क्या है? कब. C-U-B, कब. C-U-B, कब. तो यहाँ लिखेंगे C-U-B, कब. कब मीन्स शेर का बच्चा. तो फर्स्ट है C-A-P, कैप. सेकेंड P-I-G, पिग. कैप मीन्स टोपी. पिग मीन्स सुअर. T-O-P, टॉप. टॉप मीन्स लट्टू. B-E-D, बैड. बैड मीन्स पलंग. P-E-N, पेन. पेन मीन्स कलम. Z-I-P, जिप. जिप मीन्स चेन. F-A-N, फैन. फैन मीन्स पंखा. C-U-B, कब. कब मीन्स शेर का बच्चा. तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है. सभी बच्चे अच्छी अच्छी राइटिंग में बुक में फिल करेंगे. ओके बच्चों, बाय बाय.